न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है और 3 दिवसीय इस चैंपियनशिप में देश भर से 9 टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिनमें ONGC, इसके साथ ही आपको बता दें कि रेलवे, आर्मी ग्रीन और राजस्थान पुलिस और CISF दिल्ली की टीमों भी शामिल होंगी। और चैंपियनशिप के आयोजक जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन के से जुड़े ही पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि इसको लेकर 24 से 26 फरवरी तक हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में ही प्रतियोगिता का आयोजन होगा। उत्तराखंड के खेल मंत्री रेखा आर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे। 26 फरवरी को समापन अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मौजूदगी में जीतने वाली टीम को पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। चौबीस फरवरी से 26 फरवरी तक इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड में हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। मेंस चैंपियनशिप है, इसमें देश की जो 9 टीमें हैं वो इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार वितरण समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में रहने वाले हैं 26 तारीख को, और इस कार्यक्रम की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें इस प्रदेश की खेल मंत्री माननीय रेखा आर्य जी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी और हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी रहने वाले हैं। शासन प्रशासन के हरिद्वार में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद न केवल हरिद्वार में इनकी बिक्री हो रही है बल्कि थोक विक्रेता धड़ल्ले से बाजार में इन उत्पादों की सफाई करने में ही सप्लाई करने में लगे हुए हैं। वहीं मुख्य नगर आयुक्त ने पुलिस के साथ ज्वालापुर क्षेत्र के एक थोक व्यापारी के मकान पर छापेमारी कर करीब 4000 किलो पॉलिथीन बरामद किया है और टीम के पहुंचने से पहले अपराधी घर से फरार हो गया था। और आपको बताते चले कि हरिद्वार धर्म नगरी होने के कारण हरिद्वार में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण न केवल गंगा घाटों बल्कि बाजारों में भी पॉलिथीन के कारण गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसे देखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन किया गया है और बावजूद इसके बाजारों में ढलल्ले से ही पॉलिथीन का उपयोग हो रहा है। पूर्व में नगर निगम द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद का प्रयोग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन इसका कोई असर बाजारों में देखने को नहीं मिला, जिसके बाद नगर निगम हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बाजारों में ही सप्लाई होने वाली पॉलिथीन के बड़े थोक विक्रेताओं पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद मंगलवार शाम मुख्य नगर आयुक्त ने पुलिस टीम को साथ लेकर कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र के लाल मंदिर कॉलोनी में रहने वाले पन्नी के थोक विक्रेता दीपक उर्फ बंटी के आवास पर छापेमारी की। टीम को देखते ही बंटी तो मौके से ही फरार हो गया और लेकिन टीम ने ही उसके घर से करीब 4000 किलो पॉलिथीन बरामद किया है। सूचना मिली कि जालापुर में मंदिर के पीछे किसी व्यक्ति ने अपने आवास पे कुछ काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक का यहाँ पर रखा हुआ है, तो हम जब टीम के साथ यहाँ पर आए तो हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पर हमें काफ़ी मात्रा में प्लास्टिक मिला, तकरीबन 70 से 80 बड़े बड़े बैग्स हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सहित 6 लोग गैंगस्टर फरार किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें इनको लेकर तारीख पर आए सभी आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान भारी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर जमा रहे और वही कोर्ट के सजा का फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। और आपको बताते चले कि 24 फरवरी को सजा का ऐलान होगा और साथ ही आपको
ये भी जानकारी दे दें कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे 17, संदीप पांडे 10 और सुरजीत पांडे 6 और आशीष पांडे 13 और राकेश 10, नीरज 12 आपराधिक मामले दर्ज है। मामला साल 2007 और 2011 में थाना ढोलना में ही गैंगस्टर के मामले दर्ज किए थे और वहीं जिला न्यायालय में गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी माना। झांसी के समथर पंडोखर मार्ग पर पूना से ही बीएमटी पिकअप गाड़ी लेकर मुरादाबाद जा रहे पूंज थाना क्षेत्र के ग्राम बाबई निवासी ड्राइवर राजेश कुमार पुत्र ब्रज बिहारी राजपूत पंडोखर तरफ से समर्थर की तरफ जा रहे थे और वो जैसे ही समर्थर थाना क्षेत्र के ग्राम बहादुरपुर के पास आए तो अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने में ही पिकअप लोडर गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिरती हुई पेड़ से टकरा गई और इसके साथ ही बता दें कि आपको पेड़ से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर राजेश कुमार घायल हो गया और उक्त दुर्घटना की जानकारी होने पर थाना अध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ड्राइवर की तहरीर पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया है। झांसी में दो दिन पहले बेतवा नहर में डूबे किसान का शव बरामद हो गया है। दरअसल दो दिन पहले बेतवा प्रखंड नहर में खेत पर सिंचाई करते समय किसान का पैर फिसल गया था जिससे वो नहर में जा गिरा और डूब गया था। तभी से किसान की तलाश जारी थी और वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह मोट समथर मार्ग को भी जाम कर दिया था जिसके बाद निरंतर प्रशासन किसान की तलाश में लगा हुआ था और गोताखोरों की मदद से और पुलिस की मदद से किसान के शव को वहां पर बता दें आपको कि नहर से बरामद भी कर लिया गया है। खबर झांसी से है जहां पारीछा पावर प्लांट के अंदर दो आपको बता दें कि अंदर ही भंडारा से एक ऐसी चमकीली धातु बरामद हुई है जिसने परीक्षा पावर प्लांट प्रशासन से लेकर झांसी जिला प्रशासन और पुलिस महकमे असहज की स्थिति बना दी है। कॉलेज की सफाई के दौरान ही मजदूरों को एक ऐसी चमकीली धातु मिली जिसको लेकर मजदूरों में सुधार तो हो इसको लेकर हीरा बताया गया है। आपको बताते चले कि चमकीली धातु के हीरा होने की चर्चा जैसे ही पारीछा पावर प्लांट प्रशासन के अफसरों तक पहुंची तत्काल अफसरों ने ही इस मामले में कोयले के भंडार से बरामद चमकीली धातु को अपने कब्जे में ले लिया और इस दौरान ही बरामद धातु के परीक्षण के लिए प्लांट के अफसरों ने प्लांट के ही एक अधिकारी को देखकर उसका परीक्षण करने को भी कहा है। वहाँ के जो केमिस्ट है वो चूँकि दूसरी इकाई में ओरालिंग में चल रही थी उसमें ऑयल टेस्टिंग का काम चल रहा था उसमें बिजी थे। उन्होंने कहा भी हम खाली नहीं है बाद में आप दीजिएगा। तो उसको लगा कि अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रखेंगे तो ये लोग लेके जा सकते हैं। तो उसने किसी को बताया नहीं यहाँ पर उसने किसी को परियोजना में बताया नहीं ना अपने वहाँ के अधिकारियों को ना उच्च अधिकारियों को और वो रख के अपना घर पर ले आया। जब घर में आ गया तो और लोगों को पता चला उसमें हमारे परियोजना के एक अधिकारी भी थे किसी ने बताया होगा प्राइवेट आदमी ने वो घर पे ले आए। रात में 11 बजे उसके घर पे जाके लोगों ने ये कह के कि जैसा बताया गया है QCI के जो है साइट इंचार्ज के द्वारा कि उन्होंने कहा कि हम विजिलेंस से आए हैं और मुझे ये दे दीजिए और उससे सब पूरा वो लेके चले गए। मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा अंतर्गत दुरखुर का है जहां पर निजी भूमि पट्टे के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनों से नदी में ढरल्ले से ही बालू का अवैध खनन किया जा रहा है और नई बस्ती दुरखुरु दलित बस्ती है और दलित बस्ती में रहने वाले दलित परिवार के सैकड़ों लोगों ने अतुल कुमार उप जिलाधिकारी गरोठा से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि खनन माफियाओं द्वारा दलित बस्ती के अंदर से तेज रफ्तार में बगैर रॉयल्टी के ही ओवरलोड ट्रक निकाले
डाले जा रहे हैं, जबकि इनका रास्ता बाहर से बना हुआ है। बस्ती के अंदर से तेज रफ्तार ट्रकों के निकलने से वहां के निवासियों और उनके बच्चों और जान माल को खतरा है। ठेकेदार से शिकायत करने पर ठेकेदार के गुर्गों ने ही लोगों को दबंगई दिखाते हुए जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हुए गाली गलौज की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीड़ित किसान मंटू राम ने बताया है कि खनन माफियाओं ने उसके खेत को निजी स्वार्थ के खातिर जलमग्न कर दिया है, जिससे पूरी फसल खराब हो गई है और किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राजेंद्र हरवार है। कहाँ के निवासी हैं? मैं ग्राम दुरखरू और प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी प्रधान है, ग्राम प्रधान। क्या समस्या हुई है गांव में? समस्या ये है कि हमारे गांव में एक निजी भूमि का पट्टा हुआ है, तो उसमें कुछ ठेकेदार जो बाहर के हैं वो आकर उधर काम कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है गाँव की, कि गांव के बीच से ये लोग मतलब ट्रक निकालने की कोशिश करते हैं। एक दो बार निकाले भी हैं, तो गांव में उधर बच्चे खेलते हैं, तो गांव के लोगों के जानवर बंधे हुए हैं इनके द्वारा, इनके साथ में इनके साथीदार बालू की। तो इन्होंने जो है मतलब निकालने के लिए बालू का इनको इनकी साझेदारी हुई थी, मतलब कि जो है गाँव से जो है बाईपास होकर के जो है मतलब खेतों में रास्ता बना करके और जो है निकाल रहे थे बालू। इसके बाद जो है इनका ट्रक फंस गया अचानक। पूरा मामला थाना पाली अंतर्गत ग्राम पटोवा में मौजूद नेशनल हाईवे 44 से जुड़ा हुआ है, जहां पर पटावा में मौजूद नेशनल हाईवे 44 पर आज सुबह तकरीबन 4 बजे ही सागर की ओर से आ रही एक डीसीएम लगभग 40 गोवंश भरकर पटोवा में मौजूद तिराहे से कनपुरा रोड की तरफ मुड़ रही थी, और तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ही डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते गोवंश से लदी हुई डीसीएम सड़क से नीचे झोपड़ी में जा घुसी। और वहीं झोपड़ी में बंधी हुई दो गायों की डीसीएम की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डीसीएम और ट्रक के चालक परिचालन घटना के बाद मौके से फरार हो गए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इसकी सूचना पाली पुलिस को दी गई है, जहां मौके पर पहुंची पाली पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी डीसीएम में भरे गोवंशों को नीचे उतारा, जिनमें कई गोवंश घायल अवस्था में भी पाए गए हैं। ललितपुर जिले के थाना पाली क्षेत्र अंतर्गत कनपुरा घाटी पर ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया है। हादसे में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई है, और वहीं ट्रैक्टर में सवार कई अन्य घायल भी हो गए हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से बिरथा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया है। यहाँ से गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उरैया जनपद के जिला शिक्षा और परीक्षण संस्थान अजीतमल में प्रभारी प्राचार्य बीसीए अनिल कुमार की अध्यक्षता में परिषदीय स्कूलों की में संचालित कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ही बैठक हुई है। बैठक में बीसीए अनिल कुमार सभी खंड शिक्षा अधिकारी और एसआरजी और एआरपी को ही अपने दायित्व और तत्परता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही चेताया है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता शख्स में नहीं होगा। जो समय सारणी है उस समय सारणी के अनुसार ही बच्चों को अध्ययन अध्यापन का कार्य संपादित किया जाए। टीचर नियमित प्रार्थना में उपस्थित हों और प्रार्थना में ही उनकी उपस्थिति ली जाए और उनको नैतिक शिक्षा से संबंधित बातें बताई जाए। इसके अलावा जो हमारे योजनाएं हैं उन योजनाओं का बच्चों को कैसे लाभ दिया जाए उस पर भी हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, और इन्हीं के आधार पे जनपद के सारे स्कूलों में हम बच्चों को निपुण बनाने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे सारे खंड शिक्षा अधिकारी भी हैं, उनके माध्यम से जनपद में गुणात्मक शिक्षा के साथ ही साथ जो 19 पैरामीटर्स हैं उस पर भी बात की जाएगी, और जो टीचर्स की पुरानी देयताएँ हैं जैसे एरियर है, एक दिन का वेतन रोका गया है।
आगरा में एक बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये बच्चा कई जानवरों की हूबहू आवाज निकालता है और साथ ही ताजमहल के पास पर्यटकों को अपनी आवाज से लुभाता है। वीडियो ताजमहल के पास का बताया जा रहा है। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बच्चे की तरह तरह की आवाज सुनी जा सकती है। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा घटना के तत्काल खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तारी और माल बरामदगी के आदेश के क्रम में ही अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आशुतोष मिश्रा के निर्देश अनुसार थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा ही मैनुअल इंटेलेस्ट जेकर भी किया गया है और इसके साथ ही आपको बता दें इसके आधार पर अभियुक्त सौरभ मिश्रा और इसके साथ ही सोमू पुत्र अमरीश मिश्रा निवासी ग्राम और थाना मोहम्मदपुर खाला को देवा रोड ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। अमृत के कब्जे से चोरी किया गया माल 23 किलो 665 ग्राम चांदी की पायल बरामद की गई है। स्कूटी से भाग गया, इसकी सूचना उसने थाने पर दी, हम लोगों को बताया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया, जिस पर हम लोग तत्काल, चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी और इस घटना को देखते हुए इनकी टीम गठित की गई, इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज सिटी और जो हमारे अन्य अच्छे जो सिपाही हैं उनको लगा करके सर्विलांस और एसओजी टीम को लगाया गया और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पूरी टीम जो है लगी अपना मैनुअल और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके थ्रू इसको हमने रात में गिरफ्तार किया और इससे 23 किलो 600 ग्राम चांदी के बने हुए जो आभूषण और जो स्कूटी थी उसके सहित इसको गिरफ्तार करके एक बहुत बड़ी सफलता अर्जित करी है इन लोगों ने। ये सराफा नहीं, इसने एक तरह से उसको धोखा दे करके अलग अपना सिस्टम बनाया, सराफे का इसका कोई वो चक्कर नहीं है। बहराइच के कतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के ही ककराहा रेंज अंतर्गत ग्राम उर्रा में बुधवार को एक तेंदुए का बच्चा पानी टंकी में गिर गया। शोर सुनकर ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के गले तो आपको बता दें कि शोर सुनकर ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के बच्चे का रेस्क्यू कर लिया और मां से मिलाने के लिए क्षेत्र में ही तेंदुए के शव को रखा गया था। वन कर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ककराहा रेंज अंतर्गत ग्राम पंचायत उर्रा के मजरा शोभापुरवा निवासी शंकर मौर्य घर के पास खेत में था और ऑयल की टंकी लगी हुई थी और बुधवार शाम 4 बजे के आसपास तेंदुए का शावक पानी टंकी में ही गिर गया और पानी टंकी से में ही गिरे तेंदुए के बच्चे ने बाहर निकलने के प्रयास किए लेकिन आपको बता दें कि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को सूचना दी गई। वन क्षेत्र अधिकारी राम कुमार, वन दरोगा आलोक मणि और राम सुख यादव डॉक्टर दीपक वर्मा समेत ही वन टीम मौके पर पहुंचे। यूपी के पीलीभीत जनपद में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक पर सवार 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।